नशे की लत से परेशान, अब घबराए नहीं, नशा मुक्ति केंद्र लेकर आए हैं सभी तरह के नशे का जड़ से समाधान। अब किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, खैनी आदि, इन सभी तरह के नशे से छुटकारा पाने के लिए हमारे नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क करें। सिर्फ एक कॉल पर आप अपने नशे से छुटकारा पा सकते हैं 100% मनी बैक गारंटी के साथ, तो जल्द ही संपर्क करें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं अब्दुल कदीर, प्राइम 80 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। नमस्कार, आदाब, मैं अब्दुल कदीर, प्राइम 80 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी को लेकर जीआरपी और आरपीएफ हुआ अलर्ट। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए जीआरपी और आरपीएफ जवान। जीआरपी सीओ अनुराग दर्शन ने डॉग स्क्वाड भी बुलाया और प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों में चेकिंग की भी, साथ में यात्रियों का सामान भी चेक किया और वेंडरों को कुलियों को बोला कि कोई भी लावारिस सामान दिखता है तो तुरंत इस पर सूचना दे। साथ में पुलिस के जवान नो तो सतर्क रहने की हिदायत दी। ट्वीट मिला है कि धमकी भरा गाजियाबाद। हाँ, ट्वीट मिला है, लेकिन इससे जनता को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि ऐसे ट्वीट इनपुट जो होते हैं तो वो रूटीन वे में भी चेक करे जाते हैं और हम लोग इसको और जब ले लेते हैं तो उसके अगेंस्ट हम लोग और सरगर्मी को बढ़ा देते हैं, चेकिंग की इंटेंसिटी को और हाई कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स और जनता का सहयोग और यहाँ पर काम करने वाले रेलवे प्रशासन के कुली तथा अन्य जो हमारे वेंडर्स और लीगल वेंडर्स और जो हमारे स्टेशन पे कार्यरत लोग हैं उनके पूरी टीम को हम लोग लगा सचेत कर देते हैं और ऐसी किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी को समझे बिना हम लोग अपना काम करते हैं, लेकिन जनता के मध्य इसका कोई। आगरा से इमरान खान की रिपोर्ट।